प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक गणित की इस पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अभी तक वैदिक गणित के 8 सूत्र के बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो आज हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा सूत्र है वो है चलन कलनाभ्याम। सूत्र जो शब्द सूत्र है हमारा वो है चलन कलनाभ्याम। अगर हम सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्र का जो अर्थ है वो है अवकलन की क्रियाओं द्वारा। सूत्र का जो अर्थ है वो है अवकलन की क्रियाओं द्वारा। अगर इंग्लिश में कहें हम तो ये है बाय डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस द्वारा। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है उन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनके गुणनखंड बनाना कठिन होता है या बहुत ज्यादा कठिन होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें कि जो द्विघात समीकरण है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मूल मतलब रूट्स और यहां पे गुणनखंड फैक्टर। अब उपयोग की दोबारा से बात करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग या उपयोग उन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनके गुणनखंड बनाना कठिन हो। अगर इसको इंग्लिश में कहें हम यहां पे कह सकते हैं कि द फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose factors are difficult to form, जिनके फैक्टर्स बनाना डिफिकल्ट हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण है 2x² - x - 6 = 0। इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसका सम इतना होना चाहिए, मीन इसका जोड़ इतना होना चाहिए, इसकी गुणा इतनी होनी चाहिए। तो हमारे पास हम इसको लिख लेते हैं कि 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। यहां से 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये x - 2 + 3 कॉमन ले लेते हैं, x - 2 = 0। यहां पे x - 2 और ये 2x + 3 = 0। अब यहां से सॉल्व करते हैं x - 2 = 0 और 2x + 3 = 0। यहां से अगर हम सॉल्व कर ले तो x = 2 और यहां से 2x = -3 और x = -3/2। तो एक तो x = 2 और एक x = -3/2। तो ये इसके रूट्स आ गए या फिर इसके मूल आ गए। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इसको कैसे कर सकते हैं? इस सूत्र की सहायता से यहां पे कहा गया है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको अगर हम ऐसे लिखें f(x) = 0, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ fx = ±√(discriminant) क्या होता है b² - 4ac। डेरिवेटिव ऑफ fx = ±√(b² - 4ac। तो यहां पे डेरिवेटिव करेंगे इसको, इसका जब डेरिवेटिव हम करेंगे ये 2 आगे आ जाएगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4x और पावर 2 थी तो पावर कितनी आ जाएगी 1, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया हमारे पास 4x - 1 = ±√(f(x)
यहां से देखो जब आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू होगी टू, बी इज इक्वल टू माइनस वन और सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस वन और सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। यहां पर रख देंगे माइनस वन इट्स होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू हमारे पास टू है और सी की वैल्यू माइनस सिक्स है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फोर एक्स माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर की टू के साथ करेंगे एट, एट की सिक्स के साथ करेंगे तो फोर्टी एट, तो ये प्लस माइनस रूट फोर्टी नाइन हो जाएगा, तो ये फोर एक्स माइनस वन प्लस माइनस सेवन आ जाएगा। हम क्या करेंगे एक बार तो 4x माइनस वन को 7 के इक्वल रख देंगे और एक बार 4x माइनस वन को माइनस सेवन के इक्वल रख देंगे। यहां से 4x इज इक्वल टू 7 प्लस वन, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4, 1 पे 2 पे तो x इज इक्वल टू 2। यहां से तो मिला हमें x इज इक्वल टू 2 और यहां से करेंगे तो 4x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 तो 4x इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स डिवाइड बाय 4 कैंसिल करेंगे, ये यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3, 2 पे कैंसिल हो गया तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। तो आप देखेंगे दोनों वैल्यू यही आई है। तो इस तरह से हम जो चरण कलनाभ्यास सूत्र है उसका प्रयोग हम द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल या रूट्स ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेथड ज्यादा बेटर था इसके कंपैरेटिवली, लेकिन हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे आप इसके जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके फैक्टर बना लिए थे 7x को चेंज करके लिखकर, सम इसका इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट सम इसका होना चाहिए 7 और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 15। तो ऐसे फैक्टर आप कोशिश करें बनाने की तो बहुत डिफिकल्ट होगा ये आपके लिए बनाना। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आप पहले ट्राई करना कि आपको कितना समय लगेगा इसके जो मूल है या रूट्स फाइंड करने में, इस जैसे हमने इसको पहले सिंपल तरीके से किया था। अब हम इसको देखते हैं इस तरीके से। अब आप यहां पे देखेंगे कि यहां ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है माइनस 3। अब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो 10x हो जाएगा, पावर 1 रह जाएगी, 7x का 7 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0। यहां पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां से हमारे पास बी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू है माइनस 3। यहां से 10x प्लस 7 दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 60 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 10x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएंगे हमारे पास 109। अब यहां पे कर लेते हैं, अब यहां तो देखो 10x प्लस 7 किसके इक्वल लिख सकते हैं रूट 109 के, या फिर 10x प्लस 7 माइनस रूट 109 के। यहां से 10x इज इक्वल टू रूट ऑफ 109 माइनस 7 और x इज इक्वल टू रूट ऑफ 109 माइनस 7 डिवाइड बाय 10। यहां से 10x दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 109 माइनस 7 और x दैट इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 109 माइनस 7 डिवाइड बाई 10, तो यहां से याद आएगा। तो ये हमारे पास रूट आ गए या फिर हमारे पास ये मूल आ गए। अब आप इस क्वेश्चन को अगर इसके इस तरह से सोचे कि इसका सम इतना होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, इसका जोड़ इतना होना चाहिए, इसकी गुणा इतनी होनी चाहिए, तो उस तरीके से आप इसके फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इसको सोल्व करना। तो यहां पे अब आपके पास या तो आप जैसे 10th क्लास में पढ़ते हैं, आगे 10 10+1 10+2 में आगे चलता ही रहता है ये, तो वहां पे जब आप इसको पढ़ते हो तो वहां पे आप देखते हो कि या तो आप फैक्टर मेथड से करते हैं, लेकिन ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होनेगा, फिर आप जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये जो हमारे पास वैदिक गणित का सूत्र है चलन कलना व्यायाम है उसके तरीके से करेंगे। और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी इसी वैदिक गणित के इस सूत्र से ही बना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो वैदिक गणित के जो सूत्र है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और सोल्व करना पड़ जाए और आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने की कोशिश करें, परंपरागत तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा और आपके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, आप बहुत समय आप सोचने में भी खर्च कर दोगे। तो इस तरह से वैदिक गणित के सभी सूत्र की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इस विषय में वैदिक गणित में रुचि आपकी बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।